हेलो दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल के आज के जो इस प्रोग्राम में जो टॉपिक है वो है कॉन्सेंसस नॉट कन्फ्यूजन। ये कॉन्सेंसस की बात की जा रही है। कॉन्सेंसस यानी कि सहमति, यानी कि ये जो बात हो रही है, जो ट्रेन चलाने की बात हो रही है, रिलीफ ट्रेन जो राहत पहुंचाने के लिए, वो उसमें बात हो रही है कि सारे स्टेट के बीच जो है कॉन्सेंसस होनी चाहिए, ताकि सभी का जो है नियम जो है एक साथ रहने पर क्या होगा कि जो स्ट्रैंडेड पीपल हैं, जो लोग इसमें कहीं ना कहीं जो बाहर से आ रहे हैं उनको कहीं दिक्कत ना हो, तो इस चीज़ की बात हो रही है, वो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करे, इसके लिए कॉन्सेंसस की ज़रूरत है और सबके बीच होनी चाहिए, जितने भी प्लेयर्स हैं यानी कि जितने भी स्टेट हैं उनके बीच। तो कहा जा रहा है कि रिलीफ ट्रेन्स विल ग्रेटली एड स्ट्रैंडेड पीपल, यानी कि ये जो राहत के लिए चलाई जाने वाली जो ट्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा, ग्रेटली मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या करेगी, ऐड करेगी, सहायता करेगी स्ट्रैंडेड पीपल को, जो फंसे हुए लोग हैं उसको उसकी सहायता करेगी। बट स्टेट्स मस्ट हैव अ कॉमन कोड फॉर हेल्प, लेकिन स्टेट्स के पास जो होनी चाहिए एक कॉमन कोड होना चाहिए, एक कोड, इस कोड के थ्रू जो है सारे स्टेट के जो नियम होना चाहिए इससे संबंधित वो एक होना चाहिए, कॉमन कोड होना चाहिए, किसके लिए, हेल्प के लिए, मदद के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेंटर्स मूव टू रन 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मेजर सिटीज विल सर्व एज अ ट्रायल फॉर फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। कहा जा रहा है कि ये जो केंद्र सरकार का जो कदम है चलाने का, क्या 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स यानी कि 15 जोड़ी ट्रेन्स चलाने का, किसके बीच, नई दिल्ली और प्रमुख शहरों के बीच, वो जो है काम करेगा किसके रूप में, एक परीक्षण के रूप में, एक ट्रायल के रूप में, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन, यानी कि लॉकडाउन से जुड़ा हुआ जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, लॉकडाउन के कारण जो यात्रा से संबंधित जो प्रतिबंध है उसको और ज़्यादा रिलैक्सेशन उस पर कैसे लाया जाए, ठीक है ना, और ज़्यादा मतलब फर्दर रिलैक्सेशन, और ज़्यादा उसको शिथिल कैसे बनाया जाए, उसके लिए ये एक ट्रायल के रूप में काम करेगा। ठीक है, द न्यू ट्रेन्स आर अ लाइफ लाइन फॉर स्ट्रैंडेड सिटीजन्स। ये जो नए ट्रेन जो होगी, ये जो नई ट्रेन होगी वो क्या होगा, एक जीवन रेखा होगा, एक लाइफ लाइन होगा, किसके लिए, स्ट्रैंडेड सिटीजन्स के लिए जो फंसे हुए हैं। ऑल दो हालांकि द स्कीम हैज बीन डिजाइंड एज अ लिमिटेड एयर कंडीशन सर्विस फॉर हायर फेयर पेइंग ट्रेवलर्स। हालांकि ये जो स्कीम है, ये जो व्यवस्था की गई है, ये जो योजना बनाई गई है, हैज बीन डिजाइंड, इसको जो योजना बनाई गई है किसके रूप में, एक लिमिटेड, एक सीमित एयर कंडीशन सर्विस, एक वातानुकूलित या एयर कंडीशन सेवा के रूप में इसको डिजाइन किया गया है, किनके लिए, फॉर हायर पेयर पेइंग ट्रैवलर, यानी कि जो उच्चतर पे करने वाले जो ट्रैवलर्स हैं, भुगतान करने वाले जो यात्री हैं, केवल उन्हीं के लिए ये जो है स्कीम, इस चीज को बनाया गया है, इसको डिजाइन किया गया है एक लिमिटेड एयर कंडीशन सर्विस के रूप में। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, हजारों जो प्रवासी श्रमिक हैं, विल कंटिन्यू टू लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब इसकी आशा करना, तलाश करना, तो वो अभी भी तलाश जारी रखेंगे श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स की टू गेट होम, अपने घर पहुंचने के लिए। ठीक है, देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस टू ऑपरेटिंग ट्रेन्स, ये टू जो है यहाँ पर, ये टू प्रीपोजिशन है, देखिएगा, और जब भी प्रीपोजिशन होगा उसके बाद जो है आईएनजी आएगा ही आएगा या कोई नाउन फ्रेज आएगा, ठीक है ना, तो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, कई सारे चुनौतियां हैं, किस चीज़ से संबंधित चुनौतियां हैं, ट्रेन को संचालन करने को लेकर या ट्रेन को चलाने को लेकर जो है कई सारी चुनौतियां हैं। व्हेन, जब ट्रांसमिशन ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस इज राइजिंग, जब जो प्रसार जो है, यानी कि नोवेल कोरोना वायरस का जो प्रसार जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, और उसको देखते हुए जो अभी मल्टीपल चैलेंज है, कई सारी चुनौतियां हैं, मेनी स्टेट्स, कई राज्य जो हैं, हैव सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड द अराइवल ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवलर्स, यानी कि कई सारे जो राज्य हैं उसने गंभीर रूप से सीवियरली प्रतिबंधित कर दिया है आगमन को, डोमेस्टिक ट्रेवलर्स के आगमन को, यानी कि जो घरेलू जो यात्री हैं उनके आगमन को उसने रेस्ट्रिक्ट कर
कर रखा है, ठीक है, मतलब कि प्रतिबंधित कर रखा है, बट लेकिन उनकी जो कोशिश है क्या करने की, एट रेगुलेटिंग एंट्री बाय रोड थ्रू पासेस इशूड ऑनलाइन, लेकिन उनकी जो कोशिश है ऑनलाइन जारी किए गए पास के माध्यम से रोड के थ्रू यानी कि रोड के माध्यम सड़क के माध्यम से प्रवेश करने को जो उसने रेगुलेट करने की जो कोशिश है उनकी, यानी कि उसको नियमित करने की, विनियमित करने की या नियंत्रित करने की आप कह सकते हैं, उनकी जो कोशिश है नियंत्रित करने की, क्या नियंत्रित करने की, एंट्री, एंट्री मतलब प्रवेश जो रोड के द्वारा हो रहा है यानी कि सड़क के द्वारा जो सड़क के माध्यम से जो एंट्री हो रहा है उसको नियंत्रित करने की उनकी जो कोशिश है, जो कि पासेस के थ्रू मतलब कि जो ऑनलाइन पासेस के थ्रू जो है ये सड़क के माध्यम से जो एंट्री लिया जाता है उसको रेगुलेट करने की जो कोशिश है इनकी, वो हैव बीन ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड मतलब क्या होता है? ओवरवेल्म्ड का मतलब जो होता है वो होता है टू डिफीट समवन और समथिंग बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ फोर्स। एक तो ये होता है यानी कि किसी को डिफीट कर देना, जैसे गवर्नमेंट ट्रूप्स हैव ओवरवेल्म्ड द रिबेल्स एंड सीज्ड कंट्रोल ऑफ द कैपिटल, यानी गवर्नमेंट की जो सेना है उसने विद्रोहियों को बिल्कुल पराजित कर दिया और कैपिटल को जो है फिर से सीज कर लिया, ठीक है ना, कैपिटल की कंट्रोल को सीज कर लिया, मतलब अपने अधिकार में ले लिया। और एक जो मतलब होता है टू कॉज समवन टू फील सडन स्ट्रांग इमोशन, मान लीजिए कभी कभी आप इमोशन से भर जाते हैं, मतलब ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, ओवरवेल्म्ड विथ हैप्पीनेस, ओवरवेल्म्ड विथ ग्रीफ या बाय ग्रीफ, दोनों लगता है, विथ बाय दोनों लगता है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि उनकी जो कोशिश है रेगुलेट करने की एंट्री को, वो जो रोड के थ्रू हो रही है, ऑनलाइन पासेस जो इशू की जा रही है, ऑनलाइन पासेस के थ्रू जो रोड की एंट्री ली जा रही थी, तो उसको रेगुलेट करने की जो कोशिश है वो बड़ा भारी पड़ गया है। मतलब वो जो है कहीं ना कहीं वो एक तरीके से मतलब कि काम नहीं कर पा रहा है, एकदम उस पर मतलब पराजित के सेंस में कहिए, ये जो है उनकी कोशिश जो है कहीं ना कहीं वो पराजित हो गया है, यानी कि आप सिंपल सा ये कहेंगे कि उनकी कोशिश जो है वो भारी पड़ गया है। और जो उनका पास सिस्टम है, जो पास करने का जो सिस्टम है, यानी कि जो पास जारी करने का जो सिस्टम है, वो क्या हो रहा है, बिकमिंग डिसफंक्शनल, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, उसमें खराबी आते जा रही है, इज बिकमिंग डिसफंक्शनल। एक फंक्शनल होता है और उसका जस्ट उल्टा डिसफंक्शनल होता है। देखिए क्वारंटीन फैसिलिटीज हैव कम अंडर स्ट्रेन, यानी कि ये जो क्वारंटीन फैसिलिटीज की सुविधा जो है ना वो दबाव में आ चुका है। एंड केसेस ऑफ एक्सपेट्रिएट्स, और प्रवासी जो पॉजिटिव निकल रहे हैं, यानी कि केसेस ऑफ एक्सपेट्रिएट्स टेस्टिंग पॉजिटिव, यानी कि वो प्रवासी जिसमें पॉजिटिव केस मतलब कि परीक्षण के दौरान पॉजिटिव पाए गए हैं, जो यानी कि जिनमें वायरस का पता चला है, उनके जो मामले हैं यानी कि केसेस ऑफ एक्सपेट्रिएट्स, एक्सपेट्रिएट्स मतलब कि जो बाहर रह रहे हैं और वो जो यहाँ आ रहे हैं, तो वो प्रवासी जो हैं उनके जो मामले जिसमें पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं यानी कि उनमें वायरस पाया जा रहा है, जैसा कि केरला में हुआ है, हैव एडेड, इसने बढ़ा दिया है क्या उनकी चिंताओं को, ठीक है। तेलंगाना डज नॉट फेवर रिजम्पशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, तेलंगाना जो है वो फेवर नहीं करती है, क्या नहीं करती है, रिजम्पशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन, यानी कि यात्री ट्रेन को चलाने का, यात्री ट्रेन को फिर से बहाल करने को वो जो है वो फेवर नहीं करती है, उसके पक्ष में नहीं है तेलंगाना। कर्नाटका वांट्स अ कंपल्सरी 14-day इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फॉर ट्रेवलर्स, यानी कर्नाटका जो है वो चाहती है कंपल्सरी अनिवार्य 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, यानी कि संस्थागत क्वारंटीन वो चाहती है किसके लिए, ट्रेवलर्स के लिए। व्हाइल दिस अंडरस्कोर्स द हाई डिग्री ऑफ कॉशन दैट मेनी स्टेट्स वांट टू अडॉप्ट, हालांकि ये जो है रेखांकित करती है किस चीज़ को, हाई डिग्री ऑफ कॉशन को, यानी कि चेतावनी को, सावधानी को, सावधानी के उच्च स्तर को ये रेखांकित करती है, जो कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं या कई स्टेट्स जो हैं वो चाहते हैं अपनाना इस हाई डिग्री ऑफ कॉशन को। इट सीवियरली रेस्ट्रिक्ट्स, ये जो है गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर देती है इंटर स्टेट मूवमेंट को, इंटर स्टेट मतलब अंतर्राज्यीय, मतलब मान लीजिए बिहार और यूपी है, बिहार और बंगाल है, तो ये जो इंटर स्टेट मूवमेंट है
बिहार से बंगाल नहीं जा पा रहे हैं या बिहार से यूपी नहीं जा रहे हैं, यूपी से लोग बिहार नहीं आ पा रहे हैं, ये इंटरेस्ट मूवमेंट को जो है ना ये गंभीर रूप से रेस्ट्रिक्ट करती है। केरला मोर रीजनेबली, केरल की बात करें मोर रीजनेबली मतलब और ज़्यादा उचित ढंग से, उचित तरीके से इज आस्किंग, वो कह रही है, केरला जो है कह रहा है, क्या कह रहा है कि दोज कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स बाय रोड, वे जो कि रोड के थ्रू सड़क के माध्यम से दूसरे स्टेट से आ रहे हैं विथ परमिशन, यानी कि परमिशन के साथ, अनुमति के साथ, वो खुद को जो है होम क्वारंटीन कर ले, यानी कि खुद को होम क्वारंटीन कर ले आफ्टर इनिशियली कंसिडरिंग इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग, यानी कि पहले उसने क्या किया था इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग पर विचार, मतलब शुरुआत में इंस्टीट्यूशनल, शुरुआत में मतलब इनिशियली, मतलब शुरुआत में उसने क्या किया था केरला कि इनिशियली शुरुआत में इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग पर विचार करने, विचार किया था शुरुआत में, उसके बाद इसने क्या किया केरल जो है ज़्यादा उचित ढंग से इसने कहा सारे लोगों को जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं रोड के माध्यम से, ठीक है, कि वो अपने आप को घर में ही क्वारंटीन करें, ठीक है ना, आफ्टर इनिशियली कंसिडरिंग इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग, यानी कि पहले इनका विचार था कि ये जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, मतलब इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग किया जाए, मतलब कि संस्थागत के तरीके से, यानी कि सरकार की कोई एजेंसी होगी जो इसको मॉनिटर करेगी, तो ये जो है उसको इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग के जो पहला विचार था, उसके बाद अब विचार किया गया कि अब स्टेट्स, मतलब कि जो अन्य स्टेट से आ रहे हैं रोड के माध्यम से उनको खुद को जो है होम क्वारंटीन करना पड़ेगा, ठीक है। द सेंटर हैज लेफ्ट सच डिलेमास टू बी रिजॉल्व बाय द स्टेट्स, सेंटर ने यानी कि केंद्र ने क्या किया है हैज लेफ्ट सच डिलेमास, इस टाइप की जो दुविधा है, डिलेमास मतलब दुविधा, जो कश्मकश होता है, जो पसोपेश होता है, इसको छोड़ दिया है हल करने के लिए किसके द्वारा, स्टेट्स के द्वारा हल करने के लिए छोड़ दिया है, यानी कि यह राज्य अपने खुद ही हल करे, इससे निपटे। एंड द होम मिनिस्ट्रीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो होता है एक सिस्टम ऑफ मतलब कि रूल्स होता है जिसके तहत आपको मतलब कि काम करने होते हैं, जैसे एक सिस्टम ऑफ क्या कहेंगे रूल्स है या एक्सेप्टेबल बिहेवियर कह सकते हैं, जो कि ऑफिशियल सेरेमनीज या ओकेजन्स में यूज़ किया जाता है, जिसको आप हिंदी में शिष्टाचार कहते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा प्रोटोकॉल ही कहें, ठीक है, इसको एग्रीमेंट भी कहा जाता है। तो ये जो होम मिनिस्ट्री का यानी कि गृह मंत्रालय का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो है, एक मानक, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मतलब संचालन का जो नियम है, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर द रिलीफ ट्रेन सर्विसेज के लिए, यानी कि जो राहत के लिए जो चलाए जाने वाली जो ट्रेन सर्विसेज, जो ट्रेन सेवा है, उसके लिए जो ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, ये केवल ये आदेश देता है, ये प्रोटोकॉल जो है इसी के लिए ऑर्डर्स आ रहा है, ये जो है वर्ब है, ये केवल मेयरली मतलब केवल ये आदेश देता है पैसेंजर्स को कि वो जो है पालन करे हेल्थ प्रोटोकॉल्स को, यानी कि एडहेयर टू जो होता है ना उसको मतलब फॉलो करना, बड़ा उसका पालन करना, कंप्लाई विथ, अधेयर टू, फॉलो, ठीक है ना, टू अधेयर टू हेल्थ प्रोटोकॉल्स को पालन करे जो निर्धारित किए गए हैं, प्रेस्क्राइब्ड बाय, जो कि निर्धारित किए गए हैं किसके द्वारा, डेस्टिनेशन स्टेट के द्वारा या यूनियन टेरिटरी के द्वारा, यानी कि डेस्टिनेशन स्टेट यानी कि जो गंतव्य जहां आपको जाना है उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं, जो निर्धारित किए गए हैं, उस हेल्थ प्रोटोकॉल्स को जो है पैसेंजर्स फॉलो करें, उसको उसका पालन करें, केवल इतना ही वो ऑर्डर्स देती है पैसेंजर्स को, है मतलब कि कौन, हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं, एज इंडिया मूव्स इनटू द लास्ट वीक ऑफ द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, चूंकि इंडिया जो है अब बढ़ रहा है किसके तरफ, लास्ट वीक अंतिम सप्ताह की तरफ ऑफ द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, ये जो विस्तारित लॉकडाउन है, मतलब ये तीसरा बार विस्तार किया गया है, तो ये तीसरा मतलब कि ये जो विस्तारित लॉकडाउन के तीसरे सप्ते में, सॉरी ये लास्ट वीक में ये जो है ये प्रवेश कर रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है स्टेट्स के लिए कि वो जो है सहमत हों एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर,
वो सहमत हों किस चीज को लेकर, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को लेकर ऑन हाउ टू डील विद द ट्रेवलर्स, यानी कि कैसे यात्रियों के साथ व्यवहार करने हैं, कैसे उनके साथ डील करने हैं, उसको लेकर जो है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर मतलब कि स्टेट्स जो हैं वो सहमत हों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट किसके लिए, स्टेट्स के लिए, कि वो जो है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को लेकर सहमत हों जिसमें ट्रैवलर्स के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे उसके साथ निपटा जाए, वो बात बताई गई है। हाउ टू डील विद ट्रैवलर्स हुज नंबर्स, यानी कि ट्रैवलर्स का नंबर्स जो है उनकी संख्या जो है आर बाउंड टू ग्रो, वो निश्चित रूप से बढ़ना ही बढ़ना है, आर बाउंड टू ग्रो। एक्सपीरियंस इन द US, यानी कि जो अनुभव है US में, यूरोप में और एशिया में, ठीक है ना, ये बताता है, ये सोर्स जो है ना इसके लिए आया, एक्सपीरियंस के लिए आया, ठीक है ना, इसलिए सोर्स है। अगर ये रहता US, यूरोप एंड एशिया तब शो हो जाता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस बताता है, तो सोर्स सोर्स दैट विद द रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन कर्व्स, ये जो लॉकडाउन कर्व्स जो लॉकडाउन का जो प्रतिबंध जो है, लॉकडाउन कर्व्स जो है, कर्व्स मतलब प्रतिबंध, ये जो लॉकडाउन कर्व्स का रिलैक्सेशन के साथ, मतलब उस पर उसको जरा सा शिथिल किए जाने के साथ, उसमें कुछ छूट दिए जाने के साथ, रिलैक्सेशन में छूट दिए, मतलब लॉकडाउन कर्व्स में वो जो प्रतिबंध में छूट दिए जाने के साथ, मेनी टेंट कई लोग जो हैं या कई स्टेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा को कम कर लेते हैं, टेंट टू लोअर देयर गार्ड, टू लो देयर गार्ड का मतलब होता है अपनी सुरक्षा को कम कर लेना, ठीक है, टू ये गार्ड जो होता है कवच होता है, तो अपने कवच को नीचे कर देना, यानी कि अपनी सुरक्षा को कम कर देना, तो मेनी टेंट टू लोअर देयर गार्ड, ठीक है। इंडियाज पिक्यूलियर सर्कमटांसेस, ये जो इंडिया का जो एक पिक्यूलियर सर्कमटांसेस है, यानी कि एक परिस्थिति कहिए वो भी किस टाइप का विचित्र, एक अजीबो गरीब कह सकते हैं, विलक्षण जो एक सर्कमटांसेस है, जिसमें क्या क्या है वो सर्कमटांसेस, द डिफिकल्टी ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी कि जो कठिनाई है फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने का, यानी कि एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग आप बना नहीं पा रहे हैं, यानी कि जैसे आप किसी मार्केट में ही जाते हैं किराना स्टोर में और वहाँ देखते हैं एक सर्किल बना हुआ रहता है कि इतने दूरी पर आप सब खड़े रहें, लेकिन बहुत सारे लोग आएंगे उसको फॉलो नहीं करेंगे और वो बेधड़क अंदर चले जाते हैं और हो सकता है उसमें जो है बहुत सारे को इन्फेक्ट भी कर दें। तो इससे जो ये डिफ़िकल्टी है मेंटेन करने का, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है, और लो कंप्लायंस, यानी कि एक जो पालन करते हैं रूल्स का, ठीक है ना, कंप्लायंस विथ रूल्स, यानी कि नियम का जो कंप्लायंस है, जो पालन है, वो बड़ा कम है इंडिया में। तो ये एक सर्कमटांसेस है और इंडिया का ये पिक्यूलियर सर्कमटांसेस है, और ये जो पिक्यूलियर सर्कमटांसेस जो है आपका, वो इन्फेक्शंस को बढ़ा सकता है बहुत तेजी से, रैपिडली, ठीक है। येट फिर भी अ सिस्टम फॉर ऑर्डरली मूवमेंट, ऑर्डरली का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित तरीके से जो आवाजाही होगा या गतिविधि जिसको कह सकते हैं, एक सिस्टम, एक फिर भी एक सिस्टम, एक व्यवस्था जो है किसके लिए, एक ऑर्डरली मूवमेंट का, एक व्यवस्थित गतिविधि के लिए, ठीक है ना, एक व्यवस्थित गतिविधि के लिए जो एक व्यवस्था है, ठीक है ना, वो आवश्यक है, वो नेसेसरी है। किस क्यों नेसेसरी है, टू रिलीव द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर, यानी कि सामाजिक और आर्थिक दबाव को कम करने के लिए यह आवश्यक है एक ऑर्डरली मूवमेंट, ठीक है ना, क्योंकि सिंस द नेशनल लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, सिंस द नेशनल लॉकडाउन बिगेन, यानी कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से, ट्रेन्स एंड बसेस आर द मोस्ट अफोर्डेबल वेज फॉर दोज स्ट्रैंडेड टू रिटर्न होम, यानी कि ट्रेन्स और बसेस जो है वो सबसे क्या है, सबसे सस्ता तरीका, सबसे वहन करने योग्य, वहनीय, जिसको अफोर्ड कर सके, तो ट्रेन और बसेस जो है वो सबसे सस्ता एक तरीका है उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं, किस लिए, टू रिटर्न होम, घर वापस आने के लिए। एंड सच ट्रैवल, और इस टाइप की जो यात्रा होती है उसको आसान बनाया जा सकता है सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ, यानी कि कुछ सुरक्षात्मक जो नियम के साथ इस मतलब यात्रा को, इस प्रकार की यात्रा को
फैसिलिटेट किया जा सकता है, उसको सुगम बनाया जा सकता है, उसको आसान बनाया जा सकता है। अब ये प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क एंड हैंड वॉशिंग, ठीक है, हैंड वॉशिंग, ओके। सिटीजन्स कैन बी परसुएडेड, यानी कि नागरिकों को राजी किया जा सकता है टू कंप्लाई विद दिस, इसका पालन करने के लिए, इसको पालन करने के लिए, ठीक है, नागरिकों को जो है आप राजी कर सकते हैं यदि गवर्नमेंट के पास एक क्लैरिटी हो, एक क्लियर विजन हो, ठीक है ना, कि कैसे जो है वे, यानी कि गवर्नमेंट दे, मतलब गवर्नमेंट, ठीक है ना, विल फैसिलिटेट ट्रेन एंड रोड ट्रेवल, कैसे जो है वो ट्रेन और सड़क जो यात्रा है उसको कैसे वो सुगम बना सकती है या कैसे उसको मतलब आसान बना सकती है, ठीक है, तो उसका, उसके लिए गवर्नमेंट के पास अगर क्लैरिटी है तो सिटीजन्स को परसुएड किया जा सकता है, उसको राजी किया जा सकता है कि वो इसका पालन करें। एट द डेस्टिनेशन, यानी कि अपने गंतव्य पर जहाँ पर आपको जाना है, अनलेस मेडिकली वारंटेड, मेडिकली वारंटेड मतलब अनलेस मेडिकली रिक्वायर्ड, यदि चिकित्सकीय रूप से अगर आपको आपकी ज़रूरत ना पड़े, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ जाए या कुछ आपका अंदर मतलब कि आप में जो है वो वायरस पॉजिटिव ना पाया गया हो, ठीक है, अगर उसकी ज़रूरत ना हो, ठीक है ना, एट द डेस्टिनेशन अनलेस मेडिकली वारंटेड, ठीक है ना, अनलेस मेडिकली वारंटेड, तो अगर वो नहीं पाया जाता है, मेडिकल रूप से आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब कि मेडिकली आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि वहाँ पर मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना, तो पैसेंजर्स कैन सेल्फ क्वारंटीन एट होम, तो पैसेंजर जो है खुद को घर में सेल्फ क्वारंटीन कर सकता है, ठीक है, दिस इज समथिंग, ये एक ऐसा कुछ है जो कि सेंटर ने प्रेस्क्राइब किया है, निर्धारित किया है, इवन फॉर एवरी माइल, यहाँ तक कि उनके लिए, मतलब इवन फॉर वेरी माइल, यहाँ तक उनके लिए जो बहुत ही हल्का सिम्टम्स जहाँ पर हो, या फिर प्री सिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं, यानी कि वे पेशेंट्स, वे मरीज जहाँ पर लक्षण से पहले का जो लक्षण देखा जाता है, मतलब कि कह सकते हैं उनमें लक्षण दिख नहीं रहा है, लेकिन प्री सिम्टोमेटिक जो एक कह सकते हैं एक जो फिनोमिनन है, तो उसमें अगर वो देखा जा रहा है, या फिर एक बहुत ही मतलब कि हल्का अगर उसमें कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, तो यह जो कुछ है उसने सेंटर ने प्रेस्क्राइब किया है, यहाँ तक कि वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है ना, और उनके लिए तो किया ही है जो मतलब कि सपोज जो इन्फेक्टेड हैं, जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके लिए तो क्वारंटीन की ज़रूरत है ही, लेकिन इनके लिए भी दिस इज समथिंग दैट द सेंटर हैज़ प्रिस्क्राइब इवन फॉर वेरी माइल्ड एंड प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स। अब पैचवर्क मतलब होता है मिक्सचर ऑफ थिंग्स, मतलब कि घुल मिल जाना एकदम, ठीक है, पैचवर्क जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे कतरंग को लेकर, अलग अलग टुकड़े को लेकर जो आप तैयार करते हैं एक कपड़ा का कोई भी चीज, ठीक है, तो उसको भी पैचवर्क कहते हैं। तो ये जो पैचवर्क है ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब बहुत सारे, मान लीजिए कि यूपी का कुछ अलग रूल्स हो और रेगुलेशन हो, बिहार का कुछ और हो, मध्य प्रदेश का कुछ और हो, बंगाल का कुछ और हो, तो ये जो अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन का जो अगर पैचवर्क होगा ना अमंग स्टेट्स, मतलब कि राज्यों के बीच, ये केवल कंफ्यूज ही करेगा ट्रैवलर्स को, और ये जो है क्या करेगा, नीडलेस एंजाइटी, मतलब कि अनावश्यक चिंता को ही उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों, आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।